हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अभियो मूवी क्लब। तो आज के वीडियो में हम कुछ कमाल धमाल यानी कि खून खराबे से भरपूर एक्शन क्राइम थ्रिलर हॉलीवुड मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो आप सभी के होश उड़ा देने वाली है, जो YouTube पर हिंदी में फ्रीली अवेलेबल है। हमेशा की तरह मूवी की डाउनलोड लिंक्स आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मूवी है स्नेक आई जे आई जॉय ओरिजिन, जो कि साल 2021 में रिलीज की है और एक्शन एडवेंचर फैंटेसी पर बेस्ड है। IMDb रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10। मूवी की कहानी 30 सालों पहले एक जंगल से शुरू होती है, जहां स्नेक आई अपने पिता के साथ सेफ हाउस में रहता है। अचानक रात को उनके घर में कोबरा नाम का क्रिमिनल आकर उसके पिता को मारकर घर को जला देता है। आगे स्नेक आई अपने पिता का मौत का बदला लेने के लिए एक प्राचीन जापानी कबीले में निंजा योद्धा का तरीका सीखता है। आप इसे हिंदी में देख सकते हैं, यह मूवी हिंदी में अवेलेबल है। सेकंड मूवी है फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स हॉब्स एंड शो, जो कि साल 2019 में रिलीज की गई है, एक्शन एडवेंचर थ्रिलर पर बेस्ड है। IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10। मूवी की कहानी MI6 एजेंट लैटी, CIA एजेंट ल्यूक हॉब्स और रिटायर्ड एजेंट शो से शुरू होते हैं, जिन्हें कॉम सौंपा जाता है एक हॉफ रॉबर्ट ब्रिस्टन, जो कि इस मूवी का डेंजरस विलन है, जिसके पास एक खतरनाक स्नो फ्लैक नाम का वायरस होता है, जिससे वह पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इन्हें उस वायरस को ब्रिस्टन से पकड़कर लाना होता है। आगे की कहानी इस मूवी के देख सकते हैं, यह मूवी हिंदी में अवेलेबल है। थर्ड मूवी है ड्यून, जो कि साल 2021 में रिलीज की गई एक्शन एडवेंचर ड्रामा पर बेस्ड है। IMDb रेटिंग 8.4 आउट ऑफ 10। मूवी की कहानी रेगिस्तान अराकिस भूमि से शुरू होती है, जहां के लोग शांति जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन दूसरे ग्रह के लोग अराकिस पर हमला कर कत्ले आम मचा देते हैं। अराकिस के लोग पॉल प्रतिभाशाली स्ट्राइड के वन से मदद मांगते हैं, जो लोगों के भविष्य के लिए खतरनाक ग्रह से संघर्ष करता है। आगे की कहानी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं, यह मूवी हिंदी में फ्रीली अवेलेबल है। फोर्थ मूवी है जॉन विक, जो कि साल 2014 में रिलीज की गई है, एक्शन क्राइम थ्रिलर पर बेस्ड है। IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10। मूवी की कहानी बोगीमैन जॉन विक से शुरू होती है, जिसे मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। अचानक जॉन विक की पत्नी की मौत एक बीमारी से हो जाती है। उसकी पत्नी अपनी मौत से पहले एक गिफ्ट में एक डेजी नाम का पिल्ला छोड़ जाता है, जो उसकी पत्नी का सबसे पसंदीदा होता है। आगे कुछ रशियन जॉन विक की कार को देखकर तारीफ करते हैं और खरीदने की बात करते हैं, लेकिन जॉन विक कार को बेचना नहीं चाहता है। अचानक रात को 3 रशियन जॉन विक के घर में आकर उसे मारने लगते हैं और डेजी को पूरी तरह से मार देते हैं। आगे की कहानी इस मूवी के अंदर देख सकते हैं, यह मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो हमारी लास्ट मूवी है ब्लेड रनर 2049, जो कि साल 2017 में रिलीज की गई थी, एक्शन ड्रामा मिस्ट्री पर बेस्ड है। IMDb रेटिंग 8.0 आउट ऑफ 10। मूवी की कहानी में बताया गया है कि पृथ्वी पर 30 साल बाद गरीबी भूखमरी फैली हुई है और इंसान लुप्त होने के कगार पर हैं और रेप्लिकेंट की आबादी बढ़ रही है। LAPD का एक ऐसा रेप्लिकेंट होता है जिसका नाम K है, जो कि ब्लेड रनर होता है। यह लॉस एंजलिस में एजेंट होता है, जिसका काम खतरनाक रेप्लिकेंट को मारना होता है, जो मनुष्यों को हानि पहुंचाते हैं। के एक पूर्व LAPD रिक डिकार्ड की खोज करता है, जो 30 साल से लापता होता है। आगे की कहानी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं, यह मूवी हिंदी में अवेलेबल है।